क्योंकि उत्थे बैठे की जी कनेडा वो होर है इतने आके होर हो जाती है। कोई इंडिया तो आया स्टूडेंट उन्होंने एजेंट ने उन्होंने इतने क्वारंटीन रूम बुक करता हूँ उन्होंने लिए बड़ा सारा कुछ सौखा चल रहा है कि उन्होंने कि इतने आके रूम च रहने लग जाना। वो मुंडा इतने आया उत्थे सिर्फ रूम से उत्थे खाने को कुछ नहीं। 31 अगस्त तो बाद असं काम कर सकेंगे या पूरा फुल टाइम या सानू पार्ट टाइम होना पेगा। बंदे कहते कि उन्होंने एयरपोर्ट तो मोड़ देंगे कई कहें इतने आके एयरपोर्ट तो इतों मोड़िया कोई कहें इंडिया तो ही मोड़ देंगे। कई कुड़ियां ने जिहड़ियां विचों प्रैगनेंसी के टाइम आ तो जिहड़ा बच्चे ने नवें जन्म लेना जिहड़ा केस आ रहा वह ये आ कि वो माँ को कवर कर रहे हैं पर बच्चे को नहीं कवर कर रहे। वो कहें कि कोई गल नहीं आप देख लेंगे तुम काम छोड़ दो पर इतने बैठे खास तौर पर जिहड़े जिम्मेवार बच्चे ने उन्होंने लगता कि नहीं सानू अपना खर्चा स्टडी परमिट वधन वास्ते 5-5, 6-6 महीने का टाइम लग रहा। कोई भी अपनी पी आर फाइल करता है जो रीटेल सैक्टर या फूड सैक्टर काम करता है सो उन्होंने वो दोनों कैटेगरीज ही एक्सकलूड कर दिखाई ने सरकार ने उन्होंने मदर कुड़ी की मदर नहीं आता किसी उन्होंने रिश्तेदार नहीं आता हले तक भी कन्फ्यूजन बनी हुई है। बहुत सारे खास तौर पर जो पंजाब बैठे ने जो एक हैगा कि 18 मार्च तो जिन्हें पहला वीजे इशू हुए ने आ सकते हैं बाद वाले नहीं आ सकते है ना। सत श्री अकाल सारे ही दर्शकों का स्वागत है। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इस समय कैनेडा तो बाहर भी बैठे ने जा फिर जिन्हों का कैनेडा का वीज़ा आ गया है तो वह इंडिया दे विच जा पंजाब दे विच बैठे ने तो उन्होंने बहुत सारे सवाल ने कि 18 मार्च तो बाद जिन्हों का वीज़ा आया कि वह इत्थे आ सकते हैं जो उन्हों का पहला जो वीज़ा आया तो कि वह कैनेडा दे विच आ सकते हैं तो बॉर्डर अधिकारियों के वलों ताज़ा कि जानकारी है जी दी गई है। इन्होंने सारे सवालों के जवाब देने वास्ते टीम वी केयर तो मैंबर ने साडे नाल जुड़े हुए ने ना सिर्फ ये सगों जेडे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट उन्होंने इजाजत मिल भी जाती है कैनेडा आने की तो कैनेडा आने की तैयारी भी कर रहे हैं तो क्वारंटीन करने लैके 14 दिन का वसीला है जोड़ा वो करने लैके कि प्रबंध वो करके आते हैं जेकर कोई प्रबंध करके भी आता है तो किवें जिहड़ियां उदाहरणां भी कुछ उन्होंने वालों सांझी अज कीतियां जाणियां ने कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कई इत्थे आए हीला भी करके आए से अपने एक कमरे में रहण दा पर भोजन का कि उन्होंने 14 दिन खाना की है तो होर जिहड़ी उन्होंने रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच वरतों समान है उसका वसीला नहीं किया गया तो किवें चुनौतियों का सामना उन्होंने वालों किया गया वो सारे गलों का जिक्र करनगे गलबात करते उन्होंने नाल। सब तो पहला टीम वी केयर दे वल्लों COVID-19 दे दौरान तो बहुत सारे चैलेंज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नू आए ने ते क्वेरीज भी बहुत आउंदियां ने ते किवें हैंडल किया जाता है अहम सवाल केड़े सी। सो जो कोविड स्टार्ट हुआ जी सब तो पहले तो एक डर सीगा है ना। सो जिहड़ी कुछ इनफॉर्मेशन जो मिसिंग सी शुरू दे विच इह सीगा कि हुण सरकार कोई राहत पैकेज लैके आऊगी नहीं लैके आऊगी जॉब्स जा रही सीगियां डर सीगा है ना। सब तो पहला जिहड़े सवाल आने शुरू होए इह सीगे कि असीं अपनी नौकरी छड्ड सकदे हां अपनी मर्जी दे नाल साडी PR ते इस चीज़ का कोई इफेक्ट पेगा साडे स्टेटस ते इस चीज़ का कोई इफेक्ट पेगा है ना। फिर वो चीज़ जो CERB इंट्रोड्यूस होया फिर वो रिलेटड सानू बहुत सारिया क्वेरीज आई एक दिन के ऑलमोस्ट सानू 15-20 ईमेल्स आउंदियां सी ग्रुप दे विच मैसेज आउंदे सी परसनल कॉल्स आउंदियां सीगियां। CERB चलता रहा फिर नाल दी ही नाल जिहड़ी पढ़ाई नू लैके सीगा बहुत सारिया मुश्किल आईया खास तौर पर जिहड़े स्टूडेंट्स जनवरी बैच के ही आए थे उन्होंने हजे पहला समेस्टर भी खत्म नहीं होया सी। सो जदों उस रिलेटेड उन्होंने जो उन्होंने प्रेजेंटेशन करनी होंदियां सीगियां जो उन्होंने ग्रुप प्रोजेक्ट्स होंदे सीगे वह पूरे नहीं हुए सीगे सो वह किवें कीता जा सके वह प्रोफेसरस दे नाल किवें गल कर सकदे आ उस दे बाबत सानू काफ़ी सवाल आउंदे रहे। तो फिर जिवें वर्क परमिट नूं लैके भी डर भी बहुत जणियां दे मन विच सीगा तो इस ते भी फिर क्लीयर भी किया गया क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स के उत्ते जदों पहला ऐलान होंदे सी जस्टिन ट्रूडो वल्लों थोड़ी जी डिटेल दस दित्ती जांदी सी पेज दे उत्ते जाके भी वह खुद भी जिहड़े इकदम जदों प्रोग्राम नवे आए खुद भी क्लीयर नहीं सी हुंदे हैगे उह बहुत सारिया चीज़ा हौली हौली उन्होंने वालों क्लीयर की गई हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब हौली हौली दिते जाते हैं तो उस मौके किवें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे गए एंगजाइटी भी देखी गई कि डर भी सी मन में तो वह किवें मैनेज किया। ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आप गल करिए जो एक हले तक भी कन्फ्यूजन बनी हुई है बहुत सारे खास तौर पर जो पंजाब बैठे ने जो एक हैगा कि 18 मार्च तो जिन्हां दे पहला वीज़े इशू हुए ने आ सकते हैं बाद वाले नहीं आ सकते है ना क्योंकि कॉलेजेस हुण एक सपोर्ट लैटर्स इशू कर रहे हैं कुछ के विच लिखा होया कि इन्हां दा इत्थे आना जरूरी है क्योंकि इन्हां दा प्रैक्टिकम है कुछ के विच नहीं लिखा होया उन्हां दा साफ लिखा होया पर हमेशा हर कोई क्लीयर करना चाहता सो उहदे रिलेटड जिहड़ियां क्वेरीज ने लगातार आ रही ने। वर्क परमिट के रिलेटड शुरू के होया कि बहुत सारे जणां दा जिहड़ा वर्क परमिट सी इस साल च खत्म हो रहा है कुछ का सैप्टेंबर च कुछ का नवंबर च ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ PR ਦੇ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
कंपैशन के ग्राउंड के उत्ते यही कहा गया कि वर्क परमिट एक्सटेंड हो सकते हैं कुछ हो सकता पर हाले तक वो रिगार्डिंग कोई भी क्लीयर इंस्ट्रक्शन नहीं हैगी उस रिलेटड हाले भी जी स्टूडेंट्स के टेंशन एंगजाइटी है वो बनी हुई है बहुत सारे प्रोग्राम्स ने खास तौर पर जो आप बी सी की गल करिए बी सी पी एन पी के बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फूड ते रीटेल इंडस्ट्री काम करते हैं वो दोनों ही हले एक्सकलूडेड ने पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं सारा कुछ पूरा कर रहे हैं पर हले भी उन्होंने ये नहीं पता कि कदों खोलिया जाऊगा टैंपररी है वो परमानेंट आ जिन्ना टाइम वो खोलना है किवें मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन करूँगी सो बी सी पी एन पी के अंडर जो कोई भी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर जो कोई भी अपनी पी आर फाइल करता है जो रीटेल सैक्टर फूड सैक्टर काम करता है सो उन्होंने वो दोनों कैटेगरीज ही एक्सकलूड कर दती ने होर भी काफ़ी कैटेगरीज ने पर यह दो स्टूडेंट्स बहुत कम करते हैं इस करके बहुत ज़्यादा नंबर के इफेक्ट हुए हैं सो वो हले भी जो कोई ड्रॉ आ दो कैटेगरीज तो बाहर आता तो फिर ये तो नहीं होंगे कि अगर वो सुपरवाइजर की या मैनेजर की जॉब कर रहा फिर हो जाएगा कि सारा कुछ ही जो भी फूड सैक्टर काम चाहे थोड़ा तजर्बा पूरा होया हो मान लो तुम मैनेजर हो बी सी पी एन पी अंदर फाइल लाई हुई है पर फूड सैक्टर काम करते हो थोड़ा ड्रॉ नहीं आऊगा ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਊਨ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਨਕਲੀਅਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਉਂਦੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਾਂ ਲਾਇਰਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਓਪਨ ਹੈ ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਹੈਗਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਜੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਕੇਸ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੌਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰੂਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਟਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਤਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈਟਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਹੁਣ ਓਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਦਾ IRCC ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ
तो फिर तुम उन्होंने साफ की कहना चाहते हो कि हजे ना ही आने चंगा। सो जेकर तुम उत्थे बैठ के पढ़ सकते हो, हुण इहदे विच इक होर डर है जिहड़ी सानू मतलब चीज़ सुणन नूं मिलदी, उत्थे बैठे कई स्टूडेंट्स नूं इह लगदा कि उन्होंने वीज़ा कैंसल कर दिता जाऊगा जो नहीं आउणगे। जेकर थोड़ी उत्थे बैठिआं दी पढ़ाई 50% पूरी हो चुकी है, दैन तुसीं आओ जां तुसीं गल करो। हुण IRCC दे इक स्पैशल ईमेल आ, तुसीं उन्होंने ईमेल पा के पुछ सकदे हो इस ते रिलेटिड। पर जेकर तुसीं उत्थे बैठ के पढ़ सकदे हो तां पढ़ो। इस चीज़ के लिए रिगार्डिंग रिस्क लैण दी कोई लोड़ नहीं, क्योंकि इत्थे आ के सानूं लगदा कि सानूं कम मिल जूगा, पर कम दी तां पहला शॉर्टेज चल रही है। तुहाडा मेन मकसद है कि तुसीं पढ़ना, तुसीं कैनेडियन डिग्री लैणी है, तुसीं उत्थे बैठ के एक वारी अपनी पढ़ाई शुरू करो। जेकर तुहानूं कॉलेज ने प्रॉपरली लैटर दिता ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਵੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਮੇਲਸ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਓਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰ ਲਾ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਟਰੈਵਲ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਾਉਣ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ 'ਚ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਡਰ, ਬੜੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਈਸ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਈਵੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 40 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਆ ਵਧਾ ਦੇ
देखना भी चाहिए सरकार को कंपैशन के ग्राउंड पर जिवें है ना कि जो चल रहा नौकरियां बड़ियां वध रही ने हर महीने है ना बड़ी तेजी दे नाल कैनेडा दे विच पर जो काम कर रहे हैं जे असीं इन्हां नूं काम दिंदे रहिए है ना खास तौर पर असेंशियल साइड के उत्ते तो बड़ा दोनों के लिए सरकार के लिए भी सौखा क्योंकि जिहड़ी वर्करस की मंग आ वो पूरी होंदी रहेगी नाल दे नाल जिहड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने उन्हां दी भी लोड़ पूरी होंदी रहेगी। थैंक यू थोड़ा तुसीं अंत विच अपने वालों कुछ कहना चाहते हो मैं तो पुछण तो रह गया। नहीं जी बस सारे नूं इही है कि चढ़दी कला च रहो डरन की लोड़ नहीं एक दूजे का साथ दो ते जे किसी नूं भी किसी भी प्रकार की मदद की लोड़ आ साडे नाल जदों मर्जी राबता कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच। तो पहला मेरा यही सवाल है कि टीम वी केयर के वालों जी हूँ कोविड दौरान भी बहुत मदद की गई क्योंकि सवालों के जवाब मिलने एक बहुत वड्डी स्ट्रैस होंगी वो दूर हो जाती है तो जो जवाब दिए गए बाहर के वालों भी जवाब दिए गए पर बहुत सारे मामले यहोजे भी सामने आए आप सोशल मीडिया से वीडियोज़ भी देखिया ने जिद खुले तौर पर कह रहे हैं स्टूडेंट हाँ तो सी ई आर भी ले रहे हैं घर बैठे हाँ तो जो दुरवरतों भी बहुत ज़्यादा की गई है इस मौके जी सरकार के वालों मदद भी दी गई कोविड-19 के दौरान वो उत्ते कहना चाहते हो जी। सारे तो पहले तो मैं इत्थे ऑन द बिहाफ ऑफ टीम वी केयर असी धन्नवाद करते हैं कनेडा गौरमेंट का जिन्होंने डिस्पाइट द स्टेटस ऑफ वो बंदे दे जिहड़ा बंदा अप्लाई कर रहा चाहे वह स्टूडेंट आ चाहे वह वर्क परमिट ते आ चाहे वह कनेडियन रेजीडेंट आ जां पीआर है ना स्टेटस का ध्यान रखे तो बगैर जे एलिजिबिलिटी दे शर्तां पूरियां करदे ने तां उहनां नूं सी आर बी दे बेनीफिट वजो पैसे दिते कोविड-19 दे दौरान जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा लोड़ सीगी वित्तीय सहायता जदों बंदे नूं मिलदी है तां बंदे दे आपदे खर्चे तुरदे ने। अगे गल आ गई उस चीज़ की दुरवरतों होई होणी आ क्योंकि जदों सैंपल साइज़ वड्डा हो जांदा तां अलग अलग तरह के सैंपल आउंदे ने उहदे विच कई सैंपल वी आए होणगे जिन्हां ने दुरवरतों की आ पर उहदे नाल नाल मैं इह गल करूँगा भी कई बंदे इहो जिहे सी जिन्हां तों गलती नाल सी आर बी अपलाई हो गया सी जां दो चीज़ां लगातार अपलाई हो गई जिवें इंपलॉयमेंट इंश्योरेंस भी सी आर बी सो उहनां नूं दो पेमेंट्स एक महीने दे विच आ गईआं उहनां ने साडे तों बकायदा मैसेज करके तकरीबन जे मैं गिणती कहाँ तो 50 to 75 दे नेड़े तेड़े इहो जिहे बंदे होणगे जिन्हां ने साडे तों मैसेज करके पुछिआ कि असीं रीपेमेंट किवें करिए। दूजे नंबर पर असी ने इनिशिएटिव की लिया एज अ टीम वी केयर असी उस चीज़ के उत्ते वीडियोज़ भी पाई असी उस चीज़ के उत्ते पोस्ट भी पाई अपने दोनों प्लेटफॉर्मों के उत्ते फेसबुक से भी इंस्टाग्राम के उत्ते भी कि तुसी रीपेमेंट किवें कर सकते हो। हुण भी जदों कदे सानू ईमेल आउंदी आ या सानू कदे कोई मैसेज आउंदा जिहदे विच कोई अपना एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया दसदा तां उहनां नूं असी पहलां तां पूरी डिटेल दे विच फोन दे राहीं ईमेल दे राहीं या जे मिल के भी तां उहनां नूं पूरी डिटेल दे विच पूरा क्राइटीरिया समझाउंदे आ कि जे तो तुम इस इन सारिया शर्तों पूरिया कर दौ ता ही तुम सी आर बी अपलाई करो नहीं तो सी आर बी ना अपलाई करो जे तुम पेमेंट ले ली तो उन्होंने रीपेमेंट कर दो। तो जिहड़ियां गल्लां ने जिवें आपां गल करदे आ उन्हां दी असीं जिहड़े माड़े बंदे ने है ना उन्हां दी असीं निंदिया करदे आ माड़े बंदे इन द सेंस भी जिहड़े बंदिआं ने गलत तरीके दे नाल सरकार दे नाल फ्रॉड कीता उन्हां दी असीं निंदिया करदे आ उन्हां नूं पैसे वापस मोड़ने चाहीदे ने जी। तो फिर जिहड़ा तुहाडे कोल बहुत सारे सवाल पुछे जांदे ने हुण वड्डी गिणती दे विच अगे तो अगे टीम वी केयर नाल लोक जुड़ी जांदे ने तां माहर वी हर कोई बणन दी उहदे विच कई वार कोशिश करदा ते कदी इह होया कि किसे वल्लों गलत इनफॉर्मेशन दित्ती जाई गई होवे क्योंकि क्वेश्चन बहुत पुछे जांदे ने ते उस तो बाद तुसीं किवें ध्यान रखदे हो कि जिहड़े जवाब ने उह सही ही होण ते सही लोकां वल्लों दित्ते जाण जी। जदों साडे कोल सानूं 1 September नूं हुण टीम वी केयर स्टार्ट कीते नूं 1 साल हो जाण ते इस साल दे विच विच साडे कोल अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग एक्सपर्ट आए ने जिन्हां दे विच इमीग्रेशन एक्सपर्ट्स भी ने जिन्हां दे विच हैल्थ केयर दे एक्सपर्ट्स भी ने जिन्हां च मैंटल हैल्थ नूं लैके एक्सपर्ट ने ते रिक्रूटमेंट जां रेज़्यूमे नूं लैके एक्सपर्ट भी हैगे ने सो उन्हां दे नाल साडा डायरैक्टली कॉन्टैक्ट हुंदा थोड़े थोड़े टाइम बाद असीं राबता करदे रहिंदे कोई कई बार अपॉइंटमेंट लैके असीं हफ्ते दे विच जां 2 हफ्तिआं दे विच एक वारी कॉल भी करदे जे कोई क्वेश्चन हुंदे ने उन्हां चीज़ां नूं लैके। ते जिहड़ी आपां गल कीती फेसबुक ग्रुप की फेसबुक ग्रुप के उत्ते जदों भी कोई बंदा कॉमेंट करदा पब्लिक ग्रुप आ ते पब्लिक ग्रुप दे विच सारे कोई कॉमेंट कर सकदा पहले नंबर पर तो असीं उस चीज़ नूं मॉडरेट करन दी कोशिश करदे हां जे कोई कॉमेंट लगता सानू फालस इनफॉर्मेशन आ सो उस ग्रुप के रूल्स ने 10 रूल बनाए हुए ने असीं ग्रुप के जिन्हां दे विच एक रूल यह है भी थोड़ी फालस एंड इनअप्रोप्रिएट नॉलेज आ जिहड़ी तुसीं दे रहे हो आपदे कॉमेंट दे राहीं उहदे नाल असीं कॉमेंट डिलीट कर देना जे कोई बंदा वार वार कॉमेंट कर रहा तां साडे कोल उहनूं रिमूव करन दा ऑप्शन भी हुंदा उहदे बगैर जे कोई कॉम्प्लीकेटड चीज़ आ जाती है जिते कोई बंदा किसी ना किसी लॉजिक दे नाल आपदी गल नूं प्रूव करन दी कोशिश करदा तां असीं एक्सपर्ट दी राय लैने जिवें पहलां गल करके हटे साडे कोल इमीग्रेशन दे एक्सपर्ट भी हैगे ने उस ग्रुप दे विच साडे कोल होर अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक्सपर्ट हैगे।
जी तो फिर वो जो थोड़े को वड्डी गिनती माहर हैगे ने एक्सपर्ट तुसी के है तो हर फील्ड उन्होंने किवें करा जाता है कि उन्होंने नाल जोड़न के वास्ते खुद कॉन्टैक्ट करते हैं या फिर तुसी ये किवें सिलेक्ट करते हो कि वह बंदा जे माहर भी हैगा तो वह सही इनफॉर्मेशन ही दे तो फिर वो महारत है जी कि हैगी है कि वह जी ये जानकारी दे सकता है तो किवें चोण किवें की जाती है वॉलंटियर्स की तो उन्होंने किवें अगे हो के इनफॉर्मेशन दे सकते हैं लोगों जी साड़ी वैबसाइट के उ टीम vk.ca के उ वॉलंटियर फॉर्म आ जिन्हों हर कोई भर सकता जिस बंद भी एंथूसियाजम आ कि मैं इस चीज़ के थोड़ी हेल्प कर सकता उ अलग अलग सैक्शनज ने जिन्हों के करियर काउंसलिंग दे सकते हो तुसी किसी नू रेफरेंस दे सकते हो किसी की बेसमेंट या अकोमोडेशन दे विच हेल्प कर सकते हो या तुसी किसी आपकी एक्सपीरियंस के राही किसी बंदे नू कोई सलाह दे सकते हो सो वो जिहड़े सैक्शन ने वो सैक्शन बंदा सिलेक्ट करता साढ़े विचों एक जाना वो फॉर्म के उत्ते निगाह रखता हुंदा कि नवा वॉलंटियर आया कोई या नहीं जिवें भी है ना सो उन्हां दे नाल एक अपॉइंटमेंट फिक्स की जाती है उन्हां नाल अपॉइंटमेंट करके उन्हां नाल इंटरव्यू वगैरह करी जाती है तो अपने मैंडेट समझाए जाते हैं उन्हां दियां वो सानू की दे सकते हैं टेबल के उत्ते सारियां गल्लां कीतियां जांदियां उस तो बाद असीं उन्हां नू एज एक्सपर्ट अपने काम लई या उन्हां तो सलाह लैण लई अगे उन्हां नाल कॉन्टैक्ट कर लई तो फिर हुण जिवें 31 अगस्त आ रही है नेड़े तो फिर 40 घंटे काम करन दे अगे जारी रहेगा कि नहीं सवाल भी बहुत आउंदे होणगे जी इस चीज़ के रिलेटड भी बहुत सवाल आउंदे ने जिवें तुसीं गल करके हटे फ्रंटलाइन वर्कर्स दे नाल फ्रंटलाइन वर्कर्स दे विच ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स दी सीगी स्टूडेंट्स ने इस चीज़ कनेडा गवर्नमेंट ने जे बेनीफिट दिता मौका दिता स्टूडेंट्स नूं काम करन दा तां स्टूडेंट्स ने भी उस चीज़ नूं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने भी उस चीज़ नूं दोवें हत्थां नाल लिया तो बराबर सरकार दे बराबर भुगते कनेडा नूं जदों फाइट कर रहा सी COVID-19 दे नाल तां उस सरकार दे बराबर भुगते हुण उस चीज़ नूं लैके बहुत क्वेश्चन आउंदे ने कि 31 अगस्त तों बाद असीं काम कर सकांगे जां पूरा फुल टाइम जां सानूं पार्ट टाइम होना पऊगा पर अजे तक उस सरकार दे उत्ते ही आस आ कि जेकर CERB बेनीफिट्स नूं किसी तरीके दे नाल उन्होंने वधाया एक्सटेंड किया चाहे वो थोड़े टाइम वास्ते किया ज़्यादा टाइम वास्ते किया उस तर्जमा के उत्ते ध्यान दे के उन्होंने जोड़े 40 घंटे वध ने वो भी करने चाहिए कि असेंशियल वर्कर्स ने जोड़े वो 40 घंटे काम करते रहन जिन्ना चिर तक करोना वायरस आ घट्टो घट्ट उदों तक जी तो फिर तुम अपने वालों की अंत में कहना चाहते हो जो मेरे तो पुछण तो रह गया या फिर स्टूडेंट्स में जोड़े समय काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं चाहे वो किसी भी फील्ड न जुड़े हुए हो कई चैलेंज है उन्होंने तो मुख्य गल्लां ने जिहड़ियां जी एक तो मैं दो गल्लां करनियां चाहूंगा हाँ सब तो पहला तो उन्हां साडियां भैणां वास्ते जिहड़ियां अपने हजे स्टूडेंट स्टेटस दे उत्ते ने पर करोना वायरस करके उन्हां दे जिहड़े स्टडी परमिट ने वो एक्सटेंड नहीं होए सो उन्हां दा की हो रहा कई कुड़ियां ने जिहड़ियां विचों प्रैगनेंट ने तो जदों उन्हां दा स्टूडेंट स्टेटस एक्सपायर हो जाता तो उन्हां दी MSP बंद हो जाती है MSP बंद होने बाद जो हूँ उन्होंने प्रैगनेंसी के टाइम आ तो जिहड़ा बच्चे ने नवें जन्म लेना जिहड़ा केस आ रहा वो ये कि वह माँ नूं कवर कर रहे हैं पर बच्चे नूं नहीं कवर कर रहे जी सो ये चीज़ के केसिस घट्टो घट जे हो नहीं तो 5 केस साढ़े को इस टाइम चल रहे हैं करंट जिन्हां दे बारे असीं गल भी कर रहे हैं सो असीं चाहांगे जे कोई होर भी कोई कुड़ी इस चीज़ के लंघ रही है तो जरूर अगे आवे जो भी वीडियो देख रही है तो जरूर अगे आवे साडे नाल कॉन्टैक्ट करे असीं कोशिश करांगे कि उन्हां दी प्रॉब्लम्स हल हो सके या जो भी कोई होर प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं सानूं दस्सण तो दूजी गल मैं करूँगा असी एक ऑनलाइन पटीशन चलाई हुई है उस ऑनलाइन पटीशन दे विच असी की कर रहे हैं डाटा गैदर कर रहे हैं एक्सपर्ट विटनेसिस दा उन्हां स्टूडेंट्स दा या वो वर्क परमिट दे बंदियां दा जिहड़े पिछले 3-4 साल या पिछले 5 सालों के कनेडा दे विच आए ने तो उसदी PR दे प्रोसैस दे विच ने उन्हां सारयां दा असी डाटा गैदर कर रहे हैं एक मिनट का सर्वे आ जे किसी नूं कोई वो टाइम लगता साडी वैबसाइट दे उत्ते अवेलेबल आ साडे फेसबुक पेज दे उत्ते भी अवेलेबल आ जदों भी किसी कोई भी टाइम लगता तो जरूर उस सर्वे नूं भरो ता जो असी एक्सपर्ट विटनेस की गल अगे अथॉरिटीज़ ना कर सके जी तो फिर जिवें जिहड़ी तुसीं पहलां गल कीती है बच्चे की गल की कि उन्हू अगे MSP दे विच फायदा नहीं मिलता कि उहदा जिहड़ा अगे हस्पताल का खर्चा है अगे डॉक्टर का वो सारे विच कह रहे हो तुसीं हाँ जी उन्हां चीज़ां दे विच बच्चे नूं कवर नहीं किया जा रहा तो कितना कु मतलब जिहड़े वो जिहड़े हुण मामले हो भी रहे ने तुसीं कहा वो सामने आउण तुसीं किवें मदद कर रहे हो सो असी अथॉरिटीज़ दे नाल अपने वालों एज अ टीम विगर एज एन ऑर्गनाइजेशन असी अपने वालों अथॉरिटीज़ के रबता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ में ये चीज़ ब्लाइंड स्पॉट के इस टाइम
क्योंकि देखा नहीं जा रहा, बड़े मुद्दे होर देखे जा रहे हैं, इस चीज़ को कवर नहीं किया जा रहा। स्टडी परमिट वधन वास्ते पाँच पाँच छे छे महीने का टाइम लग रहा, तो जो एम एस पी की गल करते बीसी गवर्नमेंट में जी हैल्थ अथॉरिटीज़ ने उन्होंने ईमेल भेज दिया तो कहते असं 21 दिनों के दसांगे। 21 दिनों का वो बहुत क्रूशियल पीरियड होंगे किसी प्रैगनेंट लेडी वास्ते। सो 21 दिनों का जो टाइम हो सकता एक्सैप्ट कर लेना, हो सकता रिजैक्ट कर लेना। सो य चीज़ों के उत्ते काम करने की लड़ है सरकार जी। तो फिर ये जिमें जो कोई स्टूडेंट होंगी है लड़की जो तुम किया वह एम एस पी का नहीं है, तो फिर जो स्पाउस है जोड़ा तो ओपन वर्क परमिट होंगे तो वो बेस से तो बच्चे का हो सकता। कई बार स्पाउस नहीं होंगे है, कई बार सिंगल इतने सिंगल मॉम होंगी उस टाइम तो कुड़ी कली होंगी। कई बार एक पिछे होर केस साढ़े को सरकार ने उन्हों की मदर कुड़ी की मदर नहीं आने दिता, किसी उन्होंने रिश्तेदार नहीं आने दिता ड्यू टू कोविड-19, तो कुड़ी इतने कली सी, वो कुड़ी ने कली ने बच्चे जन्म दिता। सो उन्हों की देख रेख करने वास्ते कोई नहीं, उस कुड़ी वो कुड़ी कवर सी, पर एक एक केस वह भी है भी उन्होंने रिश्तेदार भी कई बार नहीं आने दिता जाता जी। बिल्कुल। तो फिर जी तुम अगर पटीशन की गल की किमें फायदा की है, वह डिटेल्स दसोंगे एक बार। एक्चुअली असं हजे डाटा गैदर कर रहे हैं जी, थोड़ा टाइम डाटा थोड़ा टाइम फ्रेम दिता हो उस चीज़ में डाटा गैदर करा। डाटा गैदर करने तो बाद उस जिमें भी इंप्लीमेंटेशन होगी वो बाद की गल, पर फिलहाल असं डाटा गैदरिंग की स्टेज देते हैं जी। नहीं मतलब जो किसी ने अपना जानकारी देनी भी है वह कि सोच के भी क्यों अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस सर्वे क्यों हिस्सा ले रहे हैं, किस बेस के उत्ते है। ओके जी, इमीग्रेशन डिपार्टमेंट की कमेटी बैठने जा रही है, उन्होंने एक्सपर्ट विटनेसिस का डाटा मंगया। सानू एक्सपर्ट विटनेसिस की लोड़ है, सो असी एज टीम वी केयर ऑन बिहाफ ऑफ टीम वी केयर वो डाटा इकट्ठा करके एक्सपर्ट विटनेसिस का एक रिपोर्ट तैयार कर जावे जी कि अगे उन्होंने ऑफर की जाएगी जी। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद गलबात वास्ते, थैंक यू। जिवें कि तुसी जाणिया कि वक्खो वक्खरे विषयां दे उत्ते इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे वल्लों बहुत सारे सवाल पुछे जांदे ने, जिन्हां दे जवाब टीम वी केयर संस्था दे वल्लों दित्ते जांदे ने। ते एक पटीशन दा वी इत्थे जिक्र किया गया, टीम वी केयर दी वैबसाइट दे उत्ते जाके उस पटीशन दे संबंधित जो जानकारी उह दित्ती जा सकदी। एक सर्वेखण किया जा रहा है ते उसदा जो जसकरण दे वल्लों इत्थे जानकारी दित्ती गई है। इस दे नाल ही इंटरनेशनल स्टूडेंट दे वजों जो कैनेडा आउणा चाहुंदे ने, जो इस समय इंडिया ते पंजाब च बैठे ने ते उह जदों आउण दा वसीला करदे ने, तां इत्थे असीं वी वार-वार तुहानूं ये कहना चाहते हैं कि 14 दिन के वास्ते क्वारंटीन कितने करना है, तो किवें तुसीं अपने 14 दिन का वसीला करके आउंदे हो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जेकर तुसीं इमीग्रेशन अधिकारियों तो दस देंदे हो कि थोड़े को 14 दिन का वसीला हैगा, पता भी लिखवा देंदे हो, पर उत्थे आके जो तुसीं रहना है कितने वो इन्ना ज़्यादा चुनौती भरिया ना हो जाए कि थोड़े वास्ते भोजन की भी दिक्कत आ जाए, क्योंकि तुसीं उस कमरे चो बाहर नहीं निकलना 14 दिन वास्ते। तो उस दे नाल होर किहड़े प्रबंध ने वह भी स्थाई बनाए जाण, पूरी तरह पता किया जाए, तो ही आया जाए ताकि इत्थे आके किसी चुनौती का सामना ना करना पवे। क्योंकि जेकर तुहाडे वल्लों किसी संस्था तो मदद की मांग भी की जाती है तो इस समय इन्नी ज़्यादा मदद मंगी जा रही है, वक्खो वक्खरी संस्थावां मदद दे विच लगियां होईयां ने, तो उन्होंने भी समा लग जाता है मदद देने दे विच। कई बार इस नूं लैके तुहानूं वड्डी चुनौती का सामना भी करना पै सकता है, तो इहो जिही किसी दिक्कत का सामना ना करना पवे, पहलां तो ही एक स्थाई रूप दे विच प्रबंध किया जाए जिस दे विच पता होवे कि जो तुसीं इत्थे आउणा है कोई भी अजिही चुनौती नहीं आवेगी जिस दे विच रहण नूं लैके खाण पीण नूं लैके किसी दिक्कत का सामना करना पवेगा।